Yeah. तो हेलो जी, वेलकम बैक हो सका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज से मैं दोबारा ब्लॉगिंग शुरू की है और अभी मुझे कोई इंट्रो इतना याद नहीं है कि क्या करते थे, किस तरह करते थे। तो फिलहाल अभी तो मैं जा रहा हूँ जैन के साथ, जाना है। जैन को कोई एलर्जी वगैरह होगी तो उसके जाना हॉस्पिटल, तो जाते हैं पहले उसके साथ और उसके मैंने मोबाइल का चेक करवाना है। अगर उसका टाइम हुआ तो जल्दी से निकलते हैं और अभी वो नीचे बैठ कर रस्ते में जल्दी जा रहा हूँ और मोबाइल भी नया लिया है, वो भी दिखाऊँगा, उसी का यह ब्लॉग है। तो जल्दी से जाते हैं, जैन की तरफ निकलते हैं और आप सबको तो वेलकम बैक हो गया बहुत टाइम बाद नए ब्लॉग में। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, निकलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं जैन भाई, इस्लाम करते हो, अस्सलाम वालेकुम। जा रहे हैं जैन भाई, किधर जा रहे हैं जैन भाई? क्या हुआ जैन भाई? अभी हम लोग जा रहे हैं जैन भाई हॉस्पिटल आने वाला है। कौन से वाला जैन भाई? NIH हॉस्पिटल आने वाला है। और ये यहाँ पे जैन भाई कह रहे हैं किधर? तो जहाँ जैन भाई, अगर मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे नहीं, आप कह रहे हो यहाँ पे, ठीक है? अगर ना हुआ ना मैंने आपके आर पार हो जाएगा, ठीक है? ये भी ठीक है। तो जा रही है वैन भी कह रहे हैं यहीं पे है, आगे जाके। मैं कह रहा हूँ यार यहाँ पे नहीं है, मैं कह रहा हूँ आगे जाके आता होता है, लेकिन ये भाई कह रहे हैं यहीं पे। तो जाते हैं देखते आगे आगे है कि नहीं, ठीक है? ठीक है जैन भाई, ठीक है। अभी तो फिर हम लोग यहाँ से पौधों वाली जगह से गुजर रहे। चाचा ने में भाई हम लौटते व्हाट व्हाट आए वैसे ये चेक करो कहां से हम लोग जा रहे हैं। यही रास्ता है, नहीं यही है कुछ जगह, यहीं पे आए थे मैं और खाला के साथ, मतलब वो मेन रोड से आए थे बस। ये सारा का सारा मेरा ईद मिलादुन नबी का वो सेट सजावट हुई है। स्कूल है, बड़ी बात बताई है। जाते हैं जाके पहुंच के दिखाते हैं ऐसा ना वो रोक के चंडे मारे मारे ये रास्ता जन भी आप रास्ता आता 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 चलो देखते हैं। पहुंच की तरफ बताते हैं, जब पहुंच जाएंगे फिर बताते हैं जैन भाई ने हमें किस तरफ फॉर किया। चाचा को देख जिम हमारे एरिया में क्यों नहीं होती यार फ्री जिम? चलो अच्छा ये लो पकड़ जैन भाई पर जाते लेकिन सेंटर हमें जिम मिल गई, हमने कहा जिम कर लेते थोड़ी सी। हाँ भैया भैया कर कर नहीं यार ये नहीं मजे का, इससे अच्छी तो मेरी अपनी जिम है। तेरी अपनी? तूने कब खरीदी है? नहीं मतलब कि जहाँ पे जाता हूँ सर इस पे करके दिखा। नहीं 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 है इस पे लेटते हैं, वहाँ पाँव पसाते हैं, उसके बाद जिम करते हैं। जैन भाई इस पे बैठो, आओ तुम्हें मजा ना आया बात करना इधर बैठने की जगह के तेरे सारे तोड़े हुए हैं। तो आ यार चले वापस, हम लोग जिम करने आए थे यहाँ पे, कुछ है नहीं। जैन से बंग आ जाओ, कोई रोक के पूछ के भैया आप क्या कर रहे हो, कोई रोक के मोबाइल ले। हाँ चल चले निकलते हैं यहाँ से। तो आगे जाते हैं और जाके आपको हॉस्पिटल जाके मिलते हैं। निकले जैन भाई, जैन भाई धन भाई, धन भाई निकले 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 चले। धन भाई कैसा लग रहा है? दर्द हो रही है और कैसे बारिश हो रही है। जैन भाई कैसा लग रहा है? दर्द हो रही है, कैसे लग रहा है? खारिश हो रही है, हाथ दिखा ये ब्लेड के बारह निशान है। जैन भाई मेरे सारे काम हो गए हैं। जैन भाई कैसा लग रहा है, हाथ दिखाओ, ये क्यों करवाया आपने? खारिश है एलर्जी हो गई वो वाली खारिश नहीं मतलब क्या खारिश है मतलब क्या एलर्जी है। अच्छा चलो यहाँ से निकल के फिर बताते हैं पूरी कहानी जैन भाई को खारिश क्यों है।
आप लोग होगा जरूर है कुत्ता। तो बस वैक्सीनेशन करा रही है, जा रहे हैं उसके बाद देखते हैं। अरे अपना मुंह ज्यादा गंदा लग रहा है भाई, वो है क्या कहते हैं यार। बस जो भी है अभी क्या है, स्टेशन वगैरह करा लिया, रेलवे को बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, पहले रुक रहा था मैं, टिकट करवा दी है। बच्चे मेरे बच्चे शांत शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा, इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। मेरा बस जा रहे घर, जाकर देखता हूं मैं क्या करते हैं, क्या करते हैं, आपकी। तो ये भाई आपको पता है झूठ बोल रहे हैं और आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्या प्राइस चल रही है मार्केट में। तो बस सुनते तो बस अभी क्या कहते हैं, नहीं 127 के लिए, मैं मान रहा हूँ 127 के लिए भाई ने, क्या कहते हैं अभी बस एमपी आई में हम लोग जा रहे थे कमर्शियल। जैन भाई ने अपने मामू के लिए गिफ्ट लेना, जैन भाई हैप्पी बर्थडे आपके मामू की है, कहने आपके मामू की पैसे नहीं है भाई, रोके दिखा तू पैसे देगा फिर? हाँ रोक दूंगा, पक्की बात है, तू 1000 रुपया दूंगा, तू रोके दिखा माइक, ये हटा के रोक, नहीं ये हटा के भाई नहीं आती। तो जैन भाई को हम जरूर 1000 रुपये देंगे इन खिलौने पे। और बस अभी कहते हैं थोड़ी देर बैठते हैं जैन भाई के साथ, इधर फिर निकलते हैं कमर्शियल और फिर क्या कहते हैं, मैंने कुछ खाने को भी लाना है। जैन भाई आप कुछ खाएंगे? जैन भाई इसको साइड में रख दो यार। जैन भाई यार एक बात बताओ यार, मेरा जो कैमरा है फोन का, इस पर कोई लेंस वगैरह लग सकते हैं, मतलब जो इसको रिफ्लेक्ट करे यार, पता ही नहीं चलता फोन का। यार नया फोन लिया इनको क्या पता, तभी तो व्लॉगिंग शुरू की है। जैन भाई बताओ कौन सा तुम्हारी तरह हम लोग किट नहीं लेते, बॉक्स पे आके बॉक्स दिखाया। बस देख लो यार, ये जी फोन ये लिया है नया फोन, और ये लिखा हुआ 14+ आपको दिखा देते हैं, ये लिखा हुआ है आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा है 14+। और क्या कहते हैं क्या कह रहे हैं इतना महंगा फोन रख के किसी लड़की से बात नहीं करते तू? No God please no। तो बस अभी क्या कहते हैं जल्दी से निकलते हैं, और उसके बाद तो बस जल्दी से क्या कहते हैं थोड़े बैठते हैं और निकलते हैं, ठीक है चलने ना मामू का गिफ्ट लेने। इंशाल्लाह पैसे आ गए, मोबाइल रख दो यार, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रही है। जैन भाई ने अपना बिजनेस बाहर रखा है ना, बाहर यहाँ से वहाँ जो करते थे बिजनेस, उसकी ट्रांजेक्शन आ रही है। तो बस दिल्ली से निकलते हैं थोड़ी देर बैठ के, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। मैंने यह कि बात निकलने वाली तकरीबन 4-5 बज कर दी, तो बस मिलते हैं आपको घर से निकल गए। जैन भाई काले हो गए, जैन भाई ने अपने लिए सनब्लॉक लिया यार, इतना गलत बातें नहीं करते होते, सही है। तो बस अभी लेके बस कमर्शियल जाना ना, कमर्शियल जाना ना, अभी बस कमर्शियल जाते हैं, घर देखें पहले, पैदल जैन भी घर जाते हैं। जो लोग जैन भी करके बाहर खड़े हुए हैं, जैन भी हैं तो फिर निकलते हैं, अजानी हो रही हैं तो जैन भी हैं तो फिर निकलते हैं। जैन भाई और मैं कमर्शियल पहुंच चुके हैं। जैन भैया वो ना बूथा साइड में रखो, घड़ियां ले लिया जैन भाई के दोस्तों के लिए। जैन भाई कैसा लग रहा है, मैंने काम कराया आपके लिए पैसे?
जैसा लग रहा है, जितने लगे उस पे भी दुख हो रहा है। ज़ैन भाई को तो, ज़ैन भाई खोल के दिखाओ, तुमने खोल के दिखाओ गाड़ी यार। एक के लिए ये लिए, दूसरे के लिए खोलो ज़ैन भाई, इसको बंद करो वापस। एक के लिए तो बस निकलते हैं, ठीक है ज़ैन भाई चले, बस चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको आगे खाने के लिए जाके, खाने वाली जगह जाके। डब्बा इतना भारी है और घड़ियों का मजा घड़ी का मजा ही नहीं है कसम से, डब्बा बहुत भारी है ना। ऐसे करूंगा पैक करके दूंगा, उन्हें कहीं घर जाके खोलो, खुश होते रहेंगे, अंदर पता नहीं कौन सी वजनी घड़ी है। तो बस निकलते हैं यहाँ से, आपको मिलते हैं बाहर जाके। मुझे तो जी क्या कहते हैं, घर वापसी होगी थी और अभी मुझे लग रहा है मेरी तबीयत भी खराब हो रही है, मेरी आंखों में अगर आपको शायद लग रहा हो, मुझे लगता है मेरी आंखों में पिंक वाला पिंक जो कि फ्लू आया हुआ है वो हो गया, क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं और मुझे लग रहा है बुखार भी हो गया, तो इसलिए पता नहीं क्या इशू हो गया। तो अभी घर आ गए थे और रात हो गई है, फुल खाना शाना खा लिया था और बस अब सोने की तैयारी करने लगा हूँ। तो मैंने कहा ब्लॉग को भी एंड करते हैं, बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग करने का मतलब वजह यही थी कि मेरा पहला तो पेपर शेल था, उसका मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, फ़ोन सेल कर दिया, उसका तभी नया लिया है, ये 14 प्लस है और क्या कहते हैं अब दोबारा से इंशाल्लाह ब्लॉगिंग शुरू करेंगे। तो मैंने कहा आप लोग बता देते हैं, तो आप सबको तो वेलकम बैक हो गया था, मैं सुबह वेलकम बैक कर देता, कहते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो आप सब मेरे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, तो मिलते हैं आप सबको एक नए ब्लॉग में, तो यहाँ तक के लिए इतना ही, तो फिर अल्लाह हाफिज़।